गाइस, कर्वस ओएस 13 पोको X2 के लिए आ चुका है और ये रोम गाइस बहुत ही पावरफुल है। बहुत ही एडवांस फीचर्स हमें इस रोम में देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है कॉर्बस ओएस 13 के इस वीडियो को देखने के लिए, इसके फीचर्स जानने के लिए, तो इस वीडियो को आप देखते रहिए और आपको इस वीडियो में बहुत सारे नए नए फीचर्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ। सो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इसे स्टार्ट क्लास कर करते हैं। सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आपको कुछ इसी तरह की वीडियो देखने को मिलती रहे। तो सबसे पहले यहाँ पर गाइस कुछ इस तरह का वॉलपेपर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है जो कि काफी मस्त है। और ये कर्बस वेस का कुछ इसी तरह का वॉलपेपर हमें और सभी भी रोम में देखने को मिल जाता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलते हैं सेटिंग में और अबाउट फोन के बारे में आपको बता दूं तो ये आता है रोम गाइस एंड्रॉइड 11 पर और यहाँ पर सिक्योरिटी पैच 5 जनवरी 2021 को आपको देखने को मिल जाता है। एंड्रॉयड 11 जो कि एकदम नया वाला है वो एकदम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा गाइस यहाँ पर बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जो कि एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी मस्त है, भागना नहीं, देखते रहना, क्योंकि ऐसा फीचर सिर्फ और सिर्फ कर्बस ओएस में ही आपको देखने को मिलेगा, किसी और रोम में देखने को नहीं मिलने वाला है। तो ऊपर एक यहाँ पर देख सकते हैं कि रेबन लेयर है, तो इस लेयर में आपको देखने को मिल जाएगा बहुत सारे क्विक सेटिंग, आप कह सकते हैं। तो जितने भी इस रोम का सेटिंग है, एडवांस सेटिंग, वो आपको इसी लेयर में देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि इसमें उतना खास नहीं है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्या, लॉक स्क्रीन आइटम्स। तो इसमें भी आप जाके लॉक स्क्रीन से जुड़ी हुई बहुत सारे यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन को सेट कर सकते हैं और बहुत अलग अलग तरीके से यहाँ पर और भी लॉक स्क्रीन आइटम को सेट कर सकते हैं। लेकिन इसको भी हम लोग छोड़ते हैं और हम लोग चलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर जाने के बाद आपको मिलेगा बैटरी ऑप्शन, लेकिन इसमें बैटरी ऑप्शन में हमें काफ़ी मस्त सेटिंग मिलता है और यहाँ पर बैटरी स्टाइल, तो देख सकते हैं अलग अलग आपको बैटरी स्टाइल देखने को मिल जाएगा। ऊपर आप देखते रहिए, चेंज होता रहता है ये। तो यहाँ पर सबसे अच्छा मुझे ये लगा जो कि सर्कल में है, बीच में 99% लिखा हुआ है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और भी यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर स्टाइल है तो आप उन सभी को भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद बैक चलते हैं गाइस और यहाँ पर क्लॉक ऑप्शन है, इसके ऊपर में क्लिक करते हैं तो क्लॉक का सेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अभी हमारा क्लॉक देख सकते हैं कुछ इस स्टाइल में है, लेकिन यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं इसको। तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा फॉन्ट और यहाँ पर अलग अलग तरीके का यहाँ पर स्टाइल, साइज। तो यहाँ पर साइज को भी कम आप कर सकते हैं, देख सकते हैं साइज कम हो गया। उसी तरह से गाइस यहाँ पर डेट का और टाइम का ये सब कुछ आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। क्लॉक फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर आपको मिल जाएगा जो कि बहुत ढेर सारा है, तो यहाँ पर बोल्ड करना है, किस तरह से करना है वो आप समझिए, आप जानिए, आपके हिसाब से यहाँ पर कर लीजिए, जो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और काफ़ी खूबसूरत भी लगता है यहाँ पर देखने में ये सभी का सभी क्लॉक स्टाइल, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद गाइज अब हम लोग चलते हैं पीछे और देखते हैं कि क्या यहाँ पर क्विक सेटिंग है, जो कि आप यहाँ पर क्विक सेटिंग में कर सकते हैं, वाइब्रेट ऑन टच और उसी तरह से बहुत सारे सेटिंग है क्विक सेटिंग में। उसके बाद गाइज हम लोग यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर हमें मिल जाता है बटन। तो बटन में यहाँ पर आप बटन को यहाँ पर सेट कर सकते हैं, अपना जो भी पावर बटन है या होम बटन है वो कुछ यहाँ पर कर सकते हैं, उतना अच्छा नहीं है। इसके बाद यहाँ पर हमें मिल जाता है नेविगेशन, तो नेविगेशन में भी आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा पावर मेनू, लेकिन यहाँ पर पावर मेनू में हमें ये बहुत सारे फीचर्स दिया गया है। अगर इन सभी फीचर्स को आप यूज़ कर लेते हैं, यानी कि ऑन कर लेते हैं, तो आपको जब भी अपने फ़ोन को लॉक करना है तो आपको बहुत ढेर सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से फ्लैश लाइट को आप ऑन कर सकते हैं इजीली, जैसे ऑन हो गया है उसी तरह से इसे बंद भी कर सकते हैं, आपको बंद करने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। तो इन सभी को मैं ऑफ़ कर देता हूँ, फ़ोन को ऑफ़ करने के लिए इतने सारे फीचर्स नहीं चाहिए मुझे। उसके बाद गाइस ये तो सब है गया इस लेयर के बारे में, लेकिन उसके अलावा गाइस और भी बहुत सारे सेटिंग है इसमें जो कि मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आपको जाना होगा लॉक स्क्रीन में और लॉक स्क्रीन में आपको मैं दिखाता हूँ। सो गाइस अभी मैं अपने फ़ोन को लॉक करता हूँ यहाँ पर, और लॉक करने के बाद उससे पहले मैं यहाँ पर वायर कनेक्ट कर दिया हूँ, अपने फ़ोन को चार्ज कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही आप लॉक स्क्रीन के ऊपर में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग स्पीड भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हमें किसी तरह का अलग से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना नहीं पड़ता है, यहाँ पर चार्जिंग स्पीड भी हमारा शो करता है। और हाँ गाइस, इस रोम में हमें नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल कर दिया गया है, अब हम उसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन हमारा जल रहा है।
उसके बाद गाइस एक और हमें सेटिंग मिलता है, एक और फीचर्स कह सकते हैं, एक नहीं दो तीन है, वो हमें मिलता है सिस्टम में। जैसे ही सिस्टम में आप जाएंगे उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा जेस्टर। इस जेस्टर में गाइस आपको बहुत सारे जेस्टर मिल जाएगा, जैसे कि आपको कैमरा ओपन करना है या फिर यहाँ पर सिस्टम नेविगेशन। तो यहाँ पर जैसे ही इसके ऊपर में क्लिक करेंगे तो आपको तीन तरह का यहाँ पर जेस्टर मिल जाएगा सिस्टम नेविगेशन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड वाला में हम लोग जाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं गाइस जो ये क्या बोलते हैं इसको एक बार आता है वो यहाँ पर बहुत डार्क हो गया, बहुत बड़ा हो गया। और उसी तरह से तीसरे नंबर पर चलेंगे तो आपको बटन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये जेस्टर काफ़ी मस्त है और आप इसे यूज़ कर सकते हैं आप तीनों में से कोई। और सभी MIUI का जो भी फीचर्स है उसमें हमें एक ही तरह का देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा आपको देखने को मिल जाता है। अगला जो फीचर है गाइस वो है डिस्प्ले में। और जैसे ही आप डिस्प्ले में जाएंगे सेटिंग में, तो यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग यहाँ पर फीचर्स देखने को मिलेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा नीचे एक फीचर्स जिसके ऊपर में आप क्लिक करते हैं तो आप अपने फ़ोन का स्क्रीन का रिफ्रेश को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 60, 90, 120 हर्ज यहाँ पर दिया गया है, तो तीनों में से कोई एक आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। और ये काफ़ी अच्छी बात है, यहाँ पर MIUI का स्टॉक में या फिर चाइना में या फिर यू रोम में भी ये सभी फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर फिल है, यहाँ पर स्टाइल नॉच है, तो इसको अगर आप ऑन करते हैं तो आपका जो नॉच है वो फिल हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्लैक हो जाएगा। अगर इसको आप यहाँ पर बंद कर देते हैं तो सेपरेट हो जाएगा। तो ये एक इसमें फीचर्स है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद गाइस बात कर लेते हैं फेस अनलॉक का और फिंगरप्रिंट का। तो काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है, देख सकते हैं कि मैं अभी फिंगर यहाँ पर टच किया और ये ओपन हो गया। उसी तरह से फिर से मैं लॉक कर देता हूँ, स्क्रीन के ऊपर मैं डबल टैप करता हूँ और ये ऑन हो गया हमारा फेस से। तो ये काफ़ी अच्छा बात है, यहाँ पर फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट में किसी तरह का कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा इस रोम में। अगला जो फीचर्स है गाइस वो है बैटरी में। और जैसे ही आप बैटरी में जाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे बैटरी डिटेल्स आपको देखने को इस रोम में मिल जाएगा। बैटरी टेम्परेचर कितना डाउन हुआ है, कितना चार्ज हुआ है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बैटरी सेवर मिल जाएगा, बैटरी मैनेजर भी मिल जाएगा आपको। तो ये सभी फीचर्स आप इसी रोम में सिर्फ यूज़ कर सकते हैं, और किसी भी रोम में ऐसा फीचर्स देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद गाइस मैं आपको बता दूं कि आखिर इसका बैटरी कितना दिन चलता है। तो ये रोम मैं लगभग 4 दिन 5 दिन पहले इसको इंस्टॉल किया था और उसके बाद से कंटिन्यू इसको यूज़ कर रहा हूँ। और यूज़ करने के बाद मुझे गाइस ऐसा महसूस हुआ और मैं चेक भी किया कि 10 घंटे से ज़्यादा का बैटरी बैकअप मुझे मिल रहा है 120 Hz रिफ्रेश रेट पर। तो काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप है इस रोम में, और ज़्यादा फालतू के एप्लीकेशन इस रोम में आपको देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पर देख सकते हैं जो भी स्टॉक है यहाँ पर, ये रोम जब फ्लैश करेंगे आप तो ये भी यही सभी आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन, जिसमें कैलेंडर है, कैलकुलेटर है, कैमरा, क्रोम, क्लॉक और कॉन्टैक्ट, फाइल, गैलरी, मेल और गूगल है, यहाँ पर मैसेज, फोन, फोटोज और सेटिंग, और यहाँ यही सारे कुछ एप्लीकेशन है जो कि 5, 6, 7, 10, 15 एप्लीकेशन है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैमरे के बारे में बात करें गाइस तो यहाँ पर कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, और ये कैमरा गाइस कभी कभी अटकता है यानी कि बंद होता है। तो यहाँ पर कैमरा में जाते हैं मोर में, और मोर में जाने के बाद देख सकते हैं गाइस ये बिल्कुल MIUI का कैमरा को कॉपी करके यहाँ पर डाल दिया गया है। अब ब्लॉग मोड, यहाँ पर वाटर मार्क और ये सभी कुछ मिल जाता है। क्या क्लोन का फीचर्स इसमें दिया गया है या नहीं दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी इसमें क्लोन का फीचर्स को ऐड नहीं किया गया है। तो हो सकता है 13.5 जो अपडेट आए कॉर्बोसोस का उसमें आपको देखने को मिल जाए क्लोन का फीचर्स, लेकिन यहाँ पर MIUI का कैमरा पूरे तरीके से काम कर रहा है, कभी कभी कहीं कहीं आपको अटकता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस वीडियो रिकॉर्डिंग में आप 1080 में 60 FPS तक ही रिकॉर्ड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, जबकि स्टॉक रोम में आप एडिट यहाँ पर रिकॉर्ड कर पाते थे 4K 30 FPS में। तो ये कुछ है इसका कैमरा का क्वालिटी में थोड़ा सा डाउनग्रेड, जो कि कह सकते हैं डाउनग्रेड है, लेकिन कैमरा क्वालिटी में किसी तरह का आपको कमी देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 4K नहीं मिलता है, ये बात जानना चाहिए। इस रोम की खास बात मुझे ये लगी गाइस, आइकन मैनेजर में आपको अलग अलग कंपनी का अलग अलग स्टाइल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। जैसे सिलेक्ट वोल्टी आइकन, यहाँ पर आप जाएंगे तो MIUI 11 का भी आइकन आपको देखने को मिलेगा, और उसी तरह से यहाँ पर MIUI और OS 10 और उसी तरह से
क्या क्या आइकन यहाँ पर ऐड किया गया है आप खुद ये देख सकते हैं। अलग अलग कंपनी का यहाँ पर आइकन को ऐड किया गया है जो कि काफ़ी कूल काफ़ी अच्छा लगता है। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आइकन पैक काफ़ी कमाल का है और किसी तरह का से आपको अलग से डाउनलोड नहीं करना पड़ता है किसी भी तरह का आइकन को। तो ये काफ़ी अच्छी बात है इसकी इस रोम की। और यहाँ पर कस्टमाइजेशन के मामले में किसी तरह का भी कमी इस रोम में देखने को हमें नहीं मिलता है। और हाँ यहाँ पर थोड़ा बहुत एप्लीकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो कि देख सकते हैं चंद एप्लीकेशन ही है इसमें। तो आपको अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करके यूज करना होगा और जो भी एप्लीकेशन आप यूज करना चाहते हैं लेकिन गूगल का सपोर्ट इसमें आपको मिल जाता है। और गूगल का यहाँ पर देख सकते हैं कि गूगल है, जीमेल है और उसी तरह से गूगल का गैलरी है और गूगल फोटो है। ये सभी गूगल आपको अलग से गूगल का एप्लीकेशन अलग से आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। और आराम से यहाँ पर अपना आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए, जीमेल आईडी डालिए और इसके बाद प्ले स्टोर से धड़ाधड़ एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और यूज कीजिए। बैटरी बैकअप बहुत ही कमाल का है इस रोम में, किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। सो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी और फीचर्स के बारे में जानना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। फ्लैशिंग के बारे में आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो गया है और इस वीडियो को मैं एडिटिंग नहीं करूँगा क्योंकि गाइस मेरे पास कोई भी यहाँ पर एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। फिल्मोरा में 1 साल के लिया था लेकिन उसका टाइम खत्म हो गया है। अब मैं उसे एडिट करूंगा तो वाटरमार्क आएगा, इसलिए मैं एडिटिंग नहीं करूंगा। इस वीडियो को सिंपली ऐसे ही अपलोड कर देता हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे कमेंट कीजिए, अगर बुरा लगता है बगैर एडिटिंग किया हुआ वीडियो तो नीचे कॉमेंट कर सकते हैं। फ्लैशिंग आपको गाइस TWRP में बूट कर रहे हैं और उसके बाद रोम को सिलेक्ट करना है और फाइनली इस रोम को फ्लैश कर देना है और उसके बाद फ़ोन को फॉर्मेट मारना है और उसके बाद रिबूट कर देना है तो आपका ये रोम फ्लैश हो जाएगा। गाइस इस वीडियो को मैं कट पेस्ट नहीं करने वाला हूं तो जो भी गलती में बोला हूं कहीं कहीं उसके लिए सॉरी, थैंक यू।